हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस माउस की। ये लॉजिटेक कंपनी का है, आप देख सकते हैं ये माउस। तो दोस्तों, ये माउस बहुत ही भद्दा है, मतलब इतना गंदा माउस है, क्या बताऊँ आपको। मतलब इसको जब मैं यूज करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ या फोटोशॉप में काम करता हूँ, तो इसमें क्या होता है, इसका जो मतलब वर्किंग एरिया है ना, मैं अगर इधर से इतना स्पेस हिलाता हूँ ना, माउस का कर्सर फंस जाता है। ये स्क्रॉल बटन है, ये वाला, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ तो पेज स्क्रॉल होके फिर वापस आ जाता है। तो इतना गंदा माउस है। और इधर देखिए ये वाला, ये कितना एकदम नॉइस करता है। तो दोस्तों, इस माउस के बारे में आज को मैं आपको बताने वाला था, नहीं ये माउस नहीं, मैं बताने वाला था आपको इस माउस के बारे में। इसकी जो वर्किंग क्वालिटी है, मतलब इसका जो वर्किंग एरिया का जो स्मूथनेस है, आप अगर यूज करेंगे तो आपको पता चल गया। एक्चुअली मैं इस माउस से फ्रस्ट्रेट हो गया था। सेम कंपनी का है दोनों, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। तो ये वाला जो माउस है, बहुत ही बढ़िया माउस है, आप एक बार देख लीजिए। इस माउस को मैं खरीदा हूँ 1800 रुपए के आसपास। तो इसको आप खरीद सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप अगर वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग का काम करते हैं तो ये माउस डेफिनेटली आपके बहुत काम आएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे इस माउस में यहाँ पे दो बटन एक्स्ट्रा दिए गए हैं। मतलब इस बटन को आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, इसका खुद का एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप खुद कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो इस बटन को मैं कॉपी असाइन किया हूँ और इस बटन को मैं पेस्ट असाइन किया हूँ, देखिए। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप जो ये स्क्रॉल वाला देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एकदम स्मूथ, आप इसको इधर भी दबा सकते हैं, इधर भी दबा सकते हैं, मतलब इसको आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं। तो मैं इधर फॉरवर्ड असाइन किया हूँ और इधर बैक असाइन किया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको ये जो बटन मिलेगा, ये मतलब आप एक साथ दो डिवाइस के साथ इस माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसका जो ब्लूटूथ है वो नॉर्मली कनेक्ट हो जाएगा आपके ब्लूटूथ से, जो आपका डिवाइस का ब्लूटूथ है उससे कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक्स्ट्रा रिसीवर भी मिलता है, ये आप देख सकते हैं, ये रिसीवर है। तो इसको भी आप एट ए टाइम दो डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको ये बटन को दबाना पड़ेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये पहले डिवाइस को सर्च कर रहा है, अब ये दूसरे डिवाइस को सर्च कर रहा है, ये कनेक्ट हो गया दूसरे डिवाइस के साथ। दोस्तों, इस माउस का स्मूथनेस मैं बता नहीं सकता, इतना अच्छा है। और इसमें सिंगल बैटरी जो आपको माउस के साथ ही मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ भी करते हैं तो इस माउस को आप खरीद सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन आपका वर्क फ्लो इतना बढ़ा देगा, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा माउस है जो मैं खुद यूज कर रहा हूँ बहुत टाइम से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए रोज ऐसे वीडियोस लाता रहूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।